नीरज को, दिल्ली विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत तेजी से हर रोज तेजी आती जा रही है। हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी हैं जो कि रोहतास नगर विधानसभा के अंदर रहते हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं और बुद्धिजीवी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, 5 साल पूरे हो गए हैं सरकार को जी, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव जो है वो फरवरी में ड्यू हैं जी। समय निश्चित है और समय नज़दीक भी है जी। अब अच्छा चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होगा जी। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, आ रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने? मुंगेरी लाल के सपने तो तब देखे जाते हैं जब देश के अन्य हिस्सों में कोई आधार ना हो ना। जब सारे देश में जो है मोदी जी की लहर आ रही है, दिल्ली तो केंद्र है, केंद्र सरकार भी यही है जी, और भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रोहतास नगर विधानसभा में क्या कहना चाहेंगे, क्या समीकरण रहने वाला है? रोहतास नगर विधानसभा में ठीक रहेगा जी। कुछ लोग जो है पिछले विधानसभा के आंकड़ों का आकलन करते हैं जी। देखिए क्या होता है कि कभी कभी जो है एक कोई एजेंडा या कोई इस तरह का एक तूफान या एक जो है कोई भी इस तरह का एक माहौल बन जाता है जी, कि तब सरकारें बिगड़ जाती हैं और बन जाती हैं। 15 साल कांग्रेस का शासन रहा जी, लोग उससे ऊब चुके थे, बदलाव की तलाश में थे। टेस्ट दोनों एक ही चीज़ है, उबना भी टेस्ट बदलना दोनों का मतलब एक है। तो जो लोग अर्थ लगाएंगे लगाते रहेंगे। या ये कहा जाए कि दिल्ली की जनता को भ्रमित किया गया कि मैं ईमानदार और शीला बेईमान? देखिए ये भी एक पॉइंट है। पॉइंट ये है कि एक नया आंदोलन से ये केजरीवाल निकल के आए थे जी, और कोई भी व्यक्ति नया प्रयोग करना चाहता है, दिल्ली की जनता ने एक नया प्रयोग करके देख लिया, परिणाम सब लोगों के सामने है। मज़े ले रहे हैं, बिजली का बिल आ नहीं रहा, पानी फ्री में। देखिए मज़े वो लोग ले रहे हैं जो इनके वॉलंटियर्स हैं जी, जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आम आदमी से आप मिलके देखो जी, क्या मज़ा ले रहे हैं कि हम तो कहते हैं कि गरीब तबके का तो खुशहाल है, मीडियम परिवार खुशहाल है, 200 यूनिट तक फ्री है। देखिए अगर हम ईमानदारी से चलें, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री इस देश में सबसे ईमानदार व्यक्ति माना गया है, जैसे कि वो कहता है जी, मैं भी कहता हूँ, हो सकता है ईमानदार हो सकता है जी। लेकिन मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों को काम छीन कर जी, फ्री में बिजली पानी और ये चीज़ें बांटना जी, क्या ये उन्नति की ओर ले जाता है या अवनति की ओर ले जाता है? के अंदर तो काम छीनने में केजरीवाल साहब का क्या हाथ है, वो तो मोदी सरकार नहीं, नहीं काम छीनने का ये कि जब मुझे घर मेरा बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, मेरा पानी का हो जाएगा, तो मैं क्यों काम करूँगा? मैं 1 घंटे बाद निकलूँगा अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के लिए जी, और जब मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा तो मैं दौड़ दौड़ के काम करूँगा, मेहनत करूँगा, और जब मेहनत करता है व्यक्ति तभी विकासशील होता है। और रोहतास नगर विधानसभा की बात करें तो इस समय तो जनता खुशहाल है और ख़ासतौर से अध्यापकगण, उनको सम्मान दिया गया। देखिए राहुल जी, रोहतास नगर विधानसभा का आपने जिक्र किया जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जो है ना एक बार रोहतास नगर विधानसभा का अंदर से अवलोकन करें, एक दौरा करें जी। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूँगा जी। आप 15 दिन लगातार एक स्कूटी या बाइक पर जी, सुबह भोजन करके नाश्ता करके निकलो और एक राउंड लगा दो, अगर आपका पेट खराब ना हो जाए या आपकी जो है पेट में जो है दर्द ना हो जाए तो आप मुझे आके पकड़ लेना, डॉक्टर का खर्चा मैं दूंगा। बद से बदतर हालत है, गड्ढों में रोहतास नगर जी। रोहतास नगर में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोहतास नगर है, बहुत बुरा हाल है। और विधायिका जो है हमारी जी, वो उसको तो लोग देखते ही नहीं है। अभी तो शिक्षकों को सम्मान दिया है हमारी विधायिका जो है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 4 साल 4.5 साल तक वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी जी। बहुत सारे लोग तो पहचानते भी नहीं हैं जी। 5 साल जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो जी, और आपको आम लोग ना जाने, ये बड़े शर्म की बात है। दूसरे एक विधायक, वो भी एक विधायक जनप्रतिनिधि है, बड़ा सम्मानित पद होता है। दूसरी एक चीज़ ये है कि अब टीचरों का सम्मान करना,
एक और आपके शायद ध्यान नहीं है, महिलाओं का सम्मान करना, हरियाली तीज मनाना, उनको गिफ्ट देना, ये मेरे समझ से बाहर है। ये लोगों को गिफ्ट देकर वोट लेना चाहते हैं या दिल्ली के अंदर काम करके वोट लेना चाहते हैं? ये तो चुनावी खर्चा है ना? नहीं नहीं, चुनावी खर्चा हमारी जेब से जा रहा है जी। कहाँ से जा रहा है ये आम लोगों की जेब से ही तो जा रहा है जी। अपने घर से वो कहाँ से लेके आई है, उसको कितनी तनख्वाह मिलती है जी। वो अपना परिवार ही चलाती होगी तनख्वाह से जी। तो इसका मतलब ये कि या तो कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है या हमारे इनडायरेक्टली जो है अन्य खर्चों में से कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि चोरी से निकाल कर जनता में बांटा जा रहा है। राधेश्याम कौशिक जी, अभी आपने कहा कि तनख्वाह ले रहे हैं, इन्होंने तो ये कहा था हम एक रुपए में काम करेंगे, क्या ऐसा कोई विधायक है जो एक रुपए में काम कर रहा हो दिल्ली के अंदर? राहुल जी, इस राष्ट्र में, ये तो दिल्ली विधानसभा की बात है, कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जी जो त्यागी पुरुष हैं। मैं पार्टी से हटके ये बात करूँगा कि कोई भी जो कहता है वो करता नहीं है, और ये तो सबसे बड़ा झूठा है जी। इसने तो जो कहा, एक बेचारे इतने ईमानदार व्यक्ति अन्ना को भुना लिया, जैसे चने को भाड़ में भुना लेते हैं ना जी, जी, जी। उसको भुना लिया और गद्दी पर बैठ गया, और न बंगला, गाड़ियाँ, एक और चीज़ है, आप मॉर्निंग वॉक पे जाता है जी। तो रिबॉक के जो है 5,000-10,000 के जूते पहन के जाता है, जब विधानसभा जाता है तो 200 रुपये की चप्पल पहन के जाता है। ये समझ से बाहर है, लोग इस चीज़ को जानते हैं, ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को शान शौकत से रहना चाहिए जी। मैं इसके फेवर में हूँ, क्योंकि एक वो हमारा सम्मान का प्रतीक है जी। और दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ के मुख्यमंत्री को तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर अब भाजपा को सौ परसेंट वोट मिलेगा? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये कहेगी हम भी 200 यूनिट माफ रखेंगे और बिजली का पानी का बिल माफ रखेंगे? देखिए देखिए क्या है, पहले से भी जो सरकारें आई थी जी, राहुल जी आपको पता होगा कि उन्होंने सब्सिडियाँ दी हैं जी, ये माफ नहीं कर रहा, ये भी सब्सिडी दे रहा है जी। सिर्फ क्या है कि मंच पर खड़े होकर ये कहना सब्सिडी दे रहा हूँ और ये कहना कि मैंने माफ़ कर दिया है जी, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लोगों को आकर्षित करने के लिए माफ शब्द लगा दिया, सब्सिडी तो है ये। आम पब्लिक तो ये जानती है कि माफ है, आम पब्लिक जानती है, लेकिन आम पब्लिक समझदार भी है। जिन टीचर्स का ये सम्मान कर रहे हैं, वो टीचर्स राष्ट्र के निर्माता हैं जी। वो उनको फ्री का नहीं चाहिए जी। कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि मैं दिल्ली सरकार में कार्यरत हूँ, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जो है दिल्ली सरकार मंच पर जाना होगा, उनके इनवाइट अगर वे करते हैं तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है जी। मैं सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता, ये कोई प्रोटोकॉल होता है, तो इसलिए जो है लोग जा रहे हैं। लेकिन आम उन लोग टीचर्स से बात करें जी, बिना कैमरे के आप बात करें, उनकी मजबूरी है, गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, आप उनसे बिना माइक के बात करें। तो मतलब जनता चुनाव के अंदर भाजपा का समर्थन देने वाली भाजपा और भाजपा, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा दिल्ली में, क्योंकि जो है ना कांग्रेस तो लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। और अगर ये जो है ना त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा जी, कांग्रेस में इनकी आपसी लड़ाई रहेगी, भाजपा 100% जीतेगी, और लोग चाहते भी हैं कि दिल्ली में केंद्र में एक ही सत्ता पे ऐसा राजनीतिक दल हो, भाजपा की केंद्र में सरकार है, भाजपा की ही दिल्ली में सरकार होनी चाहिए, क्योंकि तालमेल का जो अभाव पिछले दिनों रहा उसकी वजह से लोग जो है बहुत परेशान भी रहे। चलते चलते आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी है क्या? हमारे देश के यशस्वी, कर्मठ, जुझारू, और मैं तो कहूँगा निर्भीक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री कहना चाहूँगा मैं आज उनको, उनका जन्मदिन है, वो शतायु हों और खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें, और देश का इसी तरह से मान सम्मान बढ़ाते रहें।